हे गाइस, गुड मॉर्निंग। -4 एट नरकंडा, और बस अभी थोड़ा लेट हो गया उठने में भी। रात को लेट सोए थे, तो अभी जल्दी करते हैं और निकलते हैं। अभी दिखा देता हूँ, नवीन भाई नहाने गया है, तरुण भाई बिस्किट खा रहे हैं, को भाई को कुछ चाहिए सुबह सुबह खाने को, और आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ कैसा है। ये भाई बर्बन खा रहा है तरुण सुबह सुबह बिस्किट खा रहा है। और आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ मैं। ये कल आपको मुर्गा खाना हमने। लॉबी है, ये व्यू है, जूम करके दिखाता हूँ आपको पूरा। ये पूरी स्नो है, अब स्नो दोबारा होगी, बट बता रहे 2-3 दिन बाद। तब तक तो हम चितकुल चले जाएंगे, वेट करने का फायदा नहीं है यहाँ पे। बाकी पूरी स्नो है, आप देख सकते हैं वाइट वाइट। और ये होटल है, पूरी हाइट पे था हमारा होटल, ऊपर आप देख सकते हैं। चलो गाइस निकलते हैं, अब ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाइयों। क्या ऑमलेट है और क्या है? मैगी। मैगी कहाँ है? चाय है, टोस्ट है। चाय है, टोस्ट है, चाय खाओ यार। जी भाई बोलो। चाय, चाय, मैगी और टोस्ट, ये है ना तीन आइटम। ऑमलेट, ऑमलेट, ये सब ऑर्डर किया भाई। देखते कैसे करते इस चाय। भारत का कैसे रहा? सांस छोड़ लिया आपकी। लेकिन आप कैसे रहे? जो होटल का रूम है इसका B4 में, -B4 में भाई। 55 से 60 शेयर है, कल की नहीं थी ना बात। और अब निकल रहे हैं यहाँ से, नरकंडा से। अगर गाड़ी को 5 मिनट ऑन कर देता हूँ, थोड़ी वार्म अप हो जाएगी। इसलिए मेरे को नहीं करने दी है, मैं लेना था, मैं कर रहा था स्टार्ट, मेरे को मना कर दिया गाड़ी होगी स्टार्ट, 2 मिनट से चलने देते हैं ताकि इंजन वार्म अप हो जाए। ये भाई अपनी गाड़ी, मतलब धूप बहुत तेज है बट लग नहीं रही, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी 0 के आसपास है। तो ये पूरा व्यू है। चलो निकलते हैं, आगे मिलते हैं चितकुल के रास्ते में। एक बार अपने रूम में फिर से चलेंगे ना भाई? रूम में के चलने कह रहा भाई, लगभग 75 स्टेयर्स हैं, आप देख सकते हो नीचे ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल आखिरी में जाकर रूम है अपना। तरुण आ रहा भी, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, तब तक गाड़ी वार्म अप हो जाएगी। चलो मिलते हैं भाई आगे। भाई 2-4 मिनट के लिए रुके हैं, मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइवर पोजीशन चेंज करी है, अब भैया ड्राइव करेगा, क्योंकि तरुण पीछे बैठा था, थोड़ा उसका मतलब जीसा ख़राब हो रहा है भाई का, तो उसको आगे बिठाएंगे, मैं पीछे जाऊंगा और भैया अब ड्राइव करेगा। तो 2 मिनट के लिए रुके हैं और अभी लगभग 15-20 किलोमीटर आया है नरकंडा से, तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कैसा रूट है। और फाइनली हम अब किन्नौर में एंट्री कर रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है किन्नौर में एंट्री का, देवभूमि किन्नौर जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है, मतलब किन्नौर में हमारी एंट्री होगी, स्वागतम, वेलकम। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, टपरी आएगा, संगला, फिर चितकुल, लगभग 2.5-3 घंटे की ड्राइव और अभी यहाँ से। ये आपको पूरा व्यू मैं दिखा देता हूँ, इधर ये पूरी घाटी है, सतलुज रिवर है पूरी जो अब साथ साथ चल रही है इस रोड में, मैं आपको आगे से पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये है पूरा व्यू, आप देख सकते हैं। अब चलेंगे यहां से, चलते हैं थोड़ी देर रुक के, 5-10 मिनट रेस्ट करके निकलते फिर यहां से। ये भैया हम एक चेक पोस्ट पे रुके हैं, यहाँ पे किन्नौर के लिए एंट्री करनी है, जितने मेंबर्स हैं वो सब एक एंट्री होगी, उसके बाद यहां से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं आपको भी यहां से बोर्ड भी दिखा देता हूँ एक, हमें कहाँ जाना है। ये जो बाबनगर, निचार, वांगटनू, काफनू, टपरी से हम फ्यूल लेंगे, करचम डैम है वहाँ से हम राइट लेंगे, सीधा काजा जाता है, फिर संगला और चितकुल, ये हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है, ये उसमें उसके एल्टीट्यूड दे रखे और किलोमीटर्स दे रखे हैं। सो एंट्री करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अभी। ये है भाई रोड्स ऑफ किन्नौर, जो आप मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोज़ में देखते होंगे, इस टाइप के रोड्स।
पूरा ऐसा रोड है भाई, देख लो पूरा ऐसा रोड है ये, देख लो गाइज हम टपरी पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी संगला फिर चितकुल, तो अभी हम आगे फ्यूल नहीं है तो हम यहाँ से फिल करा लेते हैं और जो हमारा फ्यूल इकोनॉमी रहना है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि MIDC से और फ्यूल टैंक टू फ्यूल टैंक मेथड से क्या माइलेज निकाली है गाड़ी ने, हिल सिटी और हाईवे ड्राइविंग जो भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी फुल कराते हैं कितने का डीजल आता है और MID में क्या शो है वो सारी आपको रेडी का भी दिखा देता हूँ मैं भाई। अभी ऑटो कट से फिल करा रहे हैं और जीरो कर देते हैं, हमने देख लिया जीरो, अब देखते हैं कितना फ्यूल आता है और MID की रीडिंग क्या है वो आपको दिखा देता हूँ मैं भैया। ऑटो कट हो गया है और डीजल आया इसमें 44-88-60 लीटर डीजल आया है, अब आपको मीटर में दिखा देता हूँ अंदर क्या रीडिंग वगैरह है भाई। ट्रिप में रीडिंग शो कर रहा है 606 किलोमीटर चली है, 9.2 की माइलेज है हिल सिटी और हाईवे ड्राइविंग मिला के और 14.5 घंटे का टाइमिंग दिखा रहा है ये MID से है। अब आपको मैं जो फुल टैंक टू फुल टैंक मेथड है उससे बता देता हूँ भैया, ये 606.1 जो किलोमीटर चली है डिवाइड बाय जो डीजल लगा है 60.21, तो ये एक्चुअल जो माइलेज है वो आ रही है 10 से, MID में शो कर रहा है 9.2, मतलब 0.8 का डिफरेंस आया है। और संगला हम पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ लंच करेंगे, सामने गाड़ी पार्क कर दी है, ये मेन मार्केट है संगला की, ऊपर आप देख सकते हो पूरी बर्फ है यहाँ से जितना दिख रहा है उधर, आप मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ उधर पूरी आपको स्नो दिख रही है। अभी संगला में लंच किया है और लंच में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज आइटम है, नूडल्स मिलेंगे आपको या मोमोज मिलेंगे, बाकी नॉन वेज वगैरह या फिर और कुछ जो अपनी नॉर्मल दाल रोटी होती है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज आइटम है। तो हमने सिर्फ अपना नूडल्स वगैरह और मोमोज वगैरह खाए हैं, हल्का फुल्का जो भी है, अब आगे चितकुल में देखते हैं करते ड्राइव। अब लोग तो कह रहे हैं कि आगे हाँ मतलब आपको स्नो मिल जाएगी, बाकी देखते हैं क्या स्टेटस है, करता हूँ आपको आगे अपडेट। भैया आगे थोड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है तो अभी थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, JCB सामने हटा रही है मलबा। अभी हम संगला से निकल चुके हैं, चितकुल जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगाती है। तरुण भाई की आइसक्रीम चल रही है ठंड में, नवीन भी भाई आइसक्रीम खा रहा है, खा चुका है और मैं खा चुका हूँ भाई, मेरे मेरा सिखा वो बड़ी दिल्ली, ये देख लो भाई तो नहीं खा सकता डंडी पड़ी है तो इधर से पत्थर आ गए थे, आप देख रहे हो ऊपर से पूरा मिट्टी वाला पहाड़ है, वो स्लाइड हो गया था, रेतीला पहाड़ बोला भाई तरुण ने, भाई ने बोला तो रेतीला पहाड़ मान लो आप बोलते ही नहीं है। ठीक है भाई बिल्कुल, ये JCB खड़े भाई इसने हटाई है, अब चलते हैं आगे, जैसे ब्लैक स्नो नहीं ब्लैक आइस होती है ना। हाँ। JCB का डाल दिया तो आपने 5-10 मिलियन व्यूज आने चाहिए, वो भाई JCB की खुदाई वाला टाइम गया भाई, उस टाइम डालते तो बात अलग थी। कितनी बर्फ, और ये मैं वादियों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ये देख लो भाई ये देख लो भाई कुल की बर्फ, हाँ 5 दिन पुरानी बर्फ है, काली पड़ी है बिल्कुल भारत सबका कहना है कि यहाँ पे सूरज कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, बर्फ पे जमी रहती है, देखो परिभाषा अलग है ना। हाँ परिभाषा वादे फिर कुछ। चितकुल से अभी हम 10 किलोमीटर दूर है और सब कुछ वाइट वाइट हो चुका है, पूरी स्नो है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरी स्नो है, ट्रैफिक बहुत कम है, बहुत कम लोग आए, मतलब बाकी आगे पता लगेगा, बाकी इस रूट पे पूरा कम ट्रैफिक है ये आप देख सकते हैं। चितकुल से अभी 10 किलोमीटर दूर है हम, बस रुके 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे, कुछ फोटोज वगैरह लेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से चितकुल की ओर। ये व्यू देखो भाई, पूरा
पहाड़ स्नो से कवर है। इस लोकेशन में कुछ फोटोज लिए हैं जो मैं सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा। ये आप देख सकते हैं पूरी माउंटेन कवर है। चितकुल सिर्फ 5 किलोमीटर यहाँ से, बस चल रहे हैं यहाँ से। अब ये है इंडियाज लास्ट विलेज चितकुल का बोर्ड, 11,320 फीट। भाई रात को हो गई स्नो ड्राइव स्टार्ट, ये देख लो आप पूरी स्नो है। एनडी का स्नो मोड लगा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी कोई भी गाड़ी नहीं आई है, अपनी गाड़ी है पहली। ये देख सकते हो आप पूरा स्नो है भाई, पीछे पूरी देख सकते हो आप। नदी भी दिखा दे, ये देख लो उधर नदी बह रही है भाई। कैमरे में दिखा नहीं सकता क्योंकि आईफोन से शूट कर रहा हूँ। और ये देख सकते हो पूरी स्नो है, कोई भी गाड़ी नहीं गई है। नदी बहने की आवाज, ये आप देख लो भाई, आपको शायद नदी बहने की आवाज भी आ जाएगी इसके अंदर। बाकी भाई पूरी स्नो है ये, और यहाँ अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं गई है। पहली गाड़ी हमारी यहाँ जाने वाली, क्योंकि हम चितकुल विलेज को पीछे छोड़ आए हैं और हम अभी होटल में जाएंगे। पहले हम ऑफ रोडिंग के लिए आए हैं, तो अब देखते हैं ऑफ रोडिंग करके गाड़ी की। थोड़ा आगे चलते हैं एक बार। ये भाई स्नो मोड लगा हुआ है, पूरी फ्रेश स्नो है भाई, पूरी फ्रेश स्नो। ये भाई देखो भाई गाड़ी फंस रही है, अभी देखते हैं। गाड़ी फंस रही है भाई, गाड़ी फंस रही है भाई। रुक जा दैया, रुक दैया, रुक दैया, रुक 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 रुक, एक मिनट रुक जा। दैया रुक जा, दैया रुक, एक मिनट रुक, सुन ये वीडियो बना ली बस, सुन बना लिया, फंस गई, फंस रही है तेरी गाड़ी। वीडियो कंटिन्यू नहीं रहा, इसको वीडियो को बंद क्यों कर रहा है? तेरे और बना ले, सुन फंसी रहने दे। 4x4 रोल लगा है एक बार, कौन सा मोड़ लगाया? 4x4 लो, 4x4 लो भाई, बस 4x4 लो मोड़ है ये। गाड़ी फंस रही है भाई, बैग ले बैग ले बैग ले, थोड़ी आंदे आंदे। गाड़ी फंस रही भाई, फंस रही, रुक जा भाई, फंस रही है, रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक दैया। भाई रुक जा दैया, मत कर भाई, वो गड्ढे में जा रहा, रुक जा। यार हम फट्टे भी तो ना लाए, एक काम कर रुक जा भाई, सुन वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, पत्थर लगाने पड़ेंगे। भाई आप देख लो पूरा पूरी स्नो है, और एंडेवर 2.0 भी स्ट्रगल कर रही है, स्नोबोर्ड में चढ़ नहीं पा रही है क्योंकि फ्रेश स्नो है। अभी देखते हैं कैसे करते हैं एक बार। हाँ एम रुक जा, आराम से रुक जा, आराम से पीछे कर, रुक जा, हाँ पीछे कर, बैग बैग ले ले ना, पता ना पीछे, सीधी कर सीधी, सेरिंग सीधा रखे पर, सेरिंग सीधा रख भाई, सेरिंग सीधा, हाँ हाँ जानते जानते सीधा, सेरिंग जानते 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 सीधा, सेरिंग जानते जानते। लो भाई निकल गई है, ये देखो आप, यहाँ टायर फंसा था, ये इधर टायर फंसा था, इधर टायर फंसा था, ये इधर टायर फंसा है भाई, जानते सीधा जानते। नहीं सुन भैया, एक मिनट रुक, उतर गाड़ी, वही रोक दे, रुक जा, बंद कर गाड़ी, उतर जा, बंद कर दे, आ जा एक बार, कंडीशन देख ले बार, सुनो की आ जा एक बार, बहुत गहरी है भैया, नहीं मुड़ेगी भाई। अगर गाड़ी हमने रोक दी है, कंडीशन देख लेते क्या आगे। यहाँ टायर फंसे थे हमारे, और यहाँ गाड़ी स्लिड कर रही थी, पत्थर लगा है, बहुत जमी पड़ी है, पांव से भी ना दबियो। ये देख लो भाई ऐसे पूरा गाड़ी फंसी हुई है, कोई नहीं है आसपास। अगर बाई चांस फंस जाते हैं
तो भाई यहीं रात स्टे करना पड़ेगा गाड़ी के अंदर ही। यहाँ बर्फ जमी है भाई, ये देख लो आप, पूरी स्नो है भाई, पूरी स्नो। चितपुल विलेज से हम थोड़ा साइड में आए उतर के नीचे नदी के पास, नदी दिख नहीं रही है बट ये बिल्कुल यहाँ से शायद 10 या 20 मीटर दूर नदी है और साइड में पूरी स्नो है। यहाँ पे हम स्नो ड्राइव कर रहे हैं बट एंडेवर आगे चढ़नी बारी है जो 2.0 है स्नो मोड में। हमने रॉक मोड भी लगा दिया था बट स्नो मोड में मेन होता है, हमने रॉक मोड भी ट्राई किया उसमें भी गाड़ी चढ़ नहीं रही है इसके अंदर। तो अब देखते हैं, एक बार करते हैं ट्राई आगे। अब भाई बैक ले रहे हैं गाड़ी, भाई बैक चल रहे हैं, गाड़ी स्किड हो रही है यहाँ से। सीधा ले भाई, सीधा ले, भाई पहला ड्राइव एक्सपीरियंस है स्नो का इसलिए हम आगे गए नहीं, हमने बैक ले लिया गाड़ी। इससे पीछे गाड़ी आराम से आ गई क्योंकि वहाँ पहले ट्रैक बना हुआ था बट ये बिल्कुल फ्रेश स्नो थी, कोई भी गाड़ी इस पर गई नहीं थी, ट्रैक बना नहीं हुआ था इसलिए हमने इस पर ट्राई किया गाड़ी चढ़ाने के लिए बट गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। एक मिनट रुक भाई, एक मिनट रुक, सुन मुड़ेगी कहाँ से वो बताओ, मुड़ेगी कहाँ से, एक मिनट रुक जा। अभी गाड़ी अभी मुड़ने की जगह नहीं है, चला जा दूर। भाई हमें ट्रैक से गाड़ी लानी पड़ेगी, भाई हमें स्नो लैपर्ड का भी डर है, यहाँ से स्नो लैपर्ड भी आ सकता है। आ जा अंदर। तो भाई बैक ला रहे गाड़ी को, जितनी ज्यादा देर यहाँ रुकेगा उतनी बर्फ जमती जाएगी। अब हाँ वो टाइट हो जाएगी, टाइट होती जा रही है, जल्दी जल्दी आ जा। आराम से भाई, आराम से सीधी करके। हाँ सीधा अंदर। यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ से मोड़ने की कोशिश करेंगे, इधर मिट्टी है भैया, यहाँ से मोड़ने का पॉइंट है। आंदे आंदे पीछे, आंदे आंदे पूरी काट दे, मेरी तरफ मेरी तरफ उसी तरफ काट दे, मेरी तरफ बोला। अरे उधर वरना पिछला ड्राइव फंस जाएगा इधर। मेरी तरफ ले क्या, तरुण की तरफ काट पूरी, मेरी तरफ आंदे फ्रंट पूरी काट दे, काट दे काट दे, चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे, अरे पत्थर नहीं चढ़ा दे, ज्यादा आगे मत लिया, गड्ढा है वो है, लिया लिया आने दे आने दे, ले बैग ले भाई बैग ले, काट भाई काट। गाड़ी हमने टर्न करनी है, होटल की तरफ जा रहे हैं, सुबह ट्राई करेंगे या पूरा ट्रैक बना हुआ है इधर, इधर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जहाँ हमने गए ना वो ऐसी पूरी फ्रेश स्नो थी जिसमें दिक्कत आ रही थी और अभी हमारे पास यहाँ पूरा ट्रैक है आपको जैसे दिख रहा है इधर, इसमें गाड़ी स्किड नहीं करेगी कुछ नहीं करेगी क्योंकि ट्रैक ऑलरेडी आइस जमी हुई है, वो पूरी फ्रेश आइस थी जहाँ हमने गए उधर। वहाँ गाड़ी सुबह देखते सुबह ट्राई करते हैं क्योंकि अभी अगर फंस जाते तो कोई मतलब हेल्प के लिए आ नहीं पाता और हमारे पास स्नो चेन है नहीं सिर्फ और ना कोई पत्थर, हमने सिर्फ पत्थर डाल के वो निकाली है जैसे जैसे निकाली है। अब इसी ट्रक से आगे जाएंगे और होटल की तरफ जाएंगे। हाई बीम करियो, हाई बीम कर कर, ये पूरा आपको दूर तक धीरा पूरा ट्रैक बना हुआ है। तो सुबह सुबह ट्राई करते हैं, अभी चलते हैं होटल चलते हैं, अभी एक बार चेक इन करते हैं फिर ट्राई मारेंगे। भाइयों चेक इन कर लिया है, अभी स्नो ड्राइव करके हम ये मतलब ऑन द वे ही था जो हमारा रिजोर्ट था होटल समा रिजोर्ट, इस रास्ते से हम गए थे, आपको शायद अभी दिख नहीं रहा कैमरे में, इधर से हम ऑफ रोडिंग करके आए हैं जहाँ अभी स्नो ड्राइव हुई है, जहाँ गाड़ी फंस गई थी हमारी, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। ये है हमारा होटल, होटल समा रिजोर्ट चितकुल में। बस अभी चलते हैं, डिनर ऑर्डर कर दिया, मैं आपको अभी रूम दिखा देता हूँ अंदर चल के। अभी यहाँ टेम्परेचर लगभग -10-11 के आसपास है टेम्परेचर। तरुण भाई खड़ा इधर, चलते आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार। ये भाई अपना रूम 204। आ गया। भाई तरुण नवीन भाई एक यहाँ लगवा लिया सेपरेट, पैसा वसूल हो गया स्नो ड्राइव करके, अब सुबह करेंगे। भाई पानी यहाँ जमा पड़ा है बिल्कुल, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा तो उन्होंने बाल्टी दी है, भाई बाल्टी में भर के यूज करो जैसे भी यूज करना है। और ये देखो आप टैप में वाटर ही नहीं है, पानी जमा हुआ पूरा। वो साइड में पड़ा हुआ जमा दिखा देना भाई,
ये भाई पानी पूरा जमा हुआ है। उन्होंने तीन बाल्टी दिया भाई, रोड लगाओ और अपना पानी गर्म करो और यूज करो। -11 के आसपास टेम्परेचर है, तो ये हाल है पुल का भी इस टाइम। भाई वो पीने की बोतल है पानी की, एक्वाफिना की, इसमें बर्फ जमी हुई, देख लो आप टेम्परेचर कितना। -11